हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं 10 इंटरेस्टिंग वीडियो गेमिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और पहले उस वाले वीडियो को देख ले। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। फैक्ट नंबर 10, सिगेरू मियामोटो, जो कि डोंकी किंग और सुपर मारियो ब्रोस का क्रिएटर है, उनको बाइक चलाने की परमिशन नहीं दिया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि निंटेंडो कंपनी के लिए उनकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए उन्हें बाइक चलाने की परमिशन नहीं दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, बैटमैन गेम के क्रिएटर को भी ये बात नहीं पता था कि ये गेम कब खत्म होने वाली है, क्योंकि इस गेम को इन्फिनिट टाइम तक चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बिली मिशेल, जो कि एक अमेरिकन गेमर है, उन्होंने पहली बार इस गेम को फिनिश कर पाया था। और वो इस गेम को तभी फिनिश कर पाए जब उनका इंटरनल मेमोरी आउट ऑफ स्टोरेज हो गया और ऐसे ही चलते ये गेम फिनिश हो पाया था। तो दोस्तों, वहाँ तक उनका जो स्कोर था वो था 333360 और ये स्कोर इस गेम का अभी तक हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है। फैक्ट नंबर 8, रॉबिन विलियम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेमस हॉलीवुड स्टार है, उन्हें वीडियो गेम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उन्हें वीडियो गेम्स इस हद तक पसंद है कि उन्होंने अपना दो बच्चों का नाम वीडियो गेम का कैरेक्टर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, उनका दो बच्चों का नाम है जेल्डा और कोडी। जेल्डा नाम द लेजेंड ऑफ जेल्डा गेम्स आया है और कोडी फाइनल फाइट गेम का मेन कैरेक्टर का नाम। फैक्ट नंबर 7, स्टीवन ओजनियाक, जो कि एप्पल का को फाउंडर है, उनका फेवरेट गेम था टेट्रिस। वो टेट्रिस गेम को इतना ज़्यादा खेलते थे कि इस गेम के लीडर बोर्ड पे हमेशा इन्हीं का नाम टॉप पे रहता था। लेकिन ये इस गेम के लीडर बोर्ड पे इतने देर तक रुके कि खुद निंटेंडो कंपनी ने इनका स्कोर लेने से ही इनकार कर दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने अपना नाम का रिवर्स नेम, यानी कि इवेंट्स गेम, जो कि इन्हीं का नाम का रिवर्स नेम है, उसी नेम से अपना जो स्कोर था वो कंपनी को सेंड कर दिया और इस गेम के लीडर बोर्ड पे उनका ये दूसरा नाम जाके टॉप पे रुका। फैक्ट नंबर 6, क्या दोस्तों आपको ये बात पता है कि असैसिन्स क्रीड गेम पे जो भी कैरेक्टर को आप प्ले करते हो और जो भी डेट और लोकेशन दिखाया जाता है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल और एक्यूरेट है। इस गेम की सारी घटना ओरिजिनल घटना से पूरी तरह से इंस्पायर्ड है और इसी के चलते सारे डेट्स और लोकेशन जो भी गेम पे आप प्ले करते हो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब कि वो सारी घटना एक बार सच में हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5, डोंकी कॉन्ग एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम सीरीज में से एक है। लेकिन इस गेम डोंकी कॉन्ग इसलिए रखा गया था क्योंकि इस गेम का जो क्रिएटर है, यानी कि जो सिगेरू मियामोटो है, उनको ये लगता था कि डोंकी का मतलब स्टूपिड होता है। जी हाँ दोस्तों, उनके दिमाग में ऐसा रह गया था कि डोंकी का मतलब स्टूपिड होता है और इसी के चलते इस गेम का नाम फाइनली डोंकी कॉन्ग रखा गया था। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फैक्ट था ये। फैक्ट नंबर 4, स्काइरिम गेम के ओपनिंग सॉन्ग सुन के ऐसा लगता है कि इस सॉन्ग को 90 लोगों ने मिलकर एक साथ गाया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग को सिर्फ 30 लोगों ने ही गाया है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को सिर्फ के सिर्फ 30 लोगों ने ही गाया है, लेकिन वो 30 लोगों ने इस गाने को 3 बार गाया है और इसे मिक्स करके प्ले करने से ऐसा लगता है कि इस गाने को 90 लोग मिलकर एक साथ गा रहे हैं और ऐसे ही इस गेम के ओपनिंग सॉन्ग को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 3, फुटबॉल मैनेजर 2005 गेम को चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस गेम पे डाइवेट और ताइवान को दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज दिखाया गया था। लेकिन बाद में इस गेम का एक दूसरा चाइनीज वर्जन रिलीज हुआ जिस पे ताइवान और चाइना को मिला हुआ दिखाया गया था और इसी वर्जन को चाइना वालों ने एक्सेप्ट किया था। फैक्ट नंबर 2, एक आदमी ने सिम सिटी 3000 गेम पे एक कॉर्पोरेट सिटी बनाया था जिसका पॉपुलेशन था 6 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इस सिटी का पॉपुलेशन था 6 मिलियन और तो और इस सिटी पर कोई भी क्राइम और पोल्यूशन नहीं था और इस सिटी का नाम था वर्ण शांति और इस सिटी को बनाने के लिए इस आदमी को 3 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 1, क्या दोस्तों आपको ये बात पता है कि स्टार क्राफ्ट गेम साउथ कोरिया का नेशनल ई स्पोर्ट्स गेम है और साउथ कोरिया में इस गेम को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इस गेम का 2005 वाला फाइनल्स को देखने के लिए एक साथ 1,20,000 लोग एकत्रित हो गए थे और तो और इस जो टूर्नामेंट था उसका जो विनर था वो $2,00,000 यानी कि इंडियन करेंसी में 1,50,00,000 रुपया का ह्यूज कमाई कर लिया था। तो दोस्तों, यही थे आज के 10 इंटरेस्टिंग वीडियो गेमिंग फैक्ट्स। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे और भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।